हेलो एवरीवन, दिस इज मोहसिन हियर फ्रॉम बी ब्राउन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लंडर को लेके। हमारे पास काफी टाइप के ब्लंडर अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूँ वेला की, तो हमारे पास 4 टाइप के ब्लंडर अवेलेबल हैं। फर्स्ट ब्लंडर हमारा मल्टी ब्लंडर है, मैचिस ब्लंडर है, सॉफ्ट ब्लंडर है और एक्स्ट्रा कूल ब्लंडर है। जो मैचिस ब्लंडर जो है वो सॉफ्ट ब्लंडर है, ये हमारा 7 तक की लिफ्टिंग करता है। और जो सॉफ्ट ब्लंडर है, जो एक्स्ट्रा कूल ब्लंडर है, वो 5 तक की लिफ्टिंग करता है। मैचिस ब्लंडर और मल्टी ब्लंडर कभी भी हम स्कैल्प पे यूज नहीं करते, बट सॉफ्ट ब्लंडर और एक्स्ट्रा कूल ब्लंडर हम स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं, बट विथ 20 वॉल्यूम, नो 30-40 वॉल्यूम। देखिए, सबसे मेन चीज क्या होता है, टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको ब्लंडर यूज करना है। मल्टी ब्लंडर, मल्टी मतलब ऑल टेक्सचर पे यूज हो सकता है, बट मैचिस ब्लंडर जो कलर वाले बाल हैं हमारे उन पे हम यूज करेंगे मैचिस ब्लंडर। पर सॉफ्ट ब्लंडर कभी भी, जैसे एग्जांपल हमें लिफ्टिंग करनी है 12 तक के, बट हमने मैचिस ब्लंडर या मल्टी ब्लंडर लगाया और मेरी लिफ्टिंग हुई है 8-10 तक के और मुझे करना है 12-11-12, तो सेकेंड टाइम अगर मुझे ब्लॉन्डर यूज करना है तो मैं मल्टी और मैचिस ब्लॉन्डर यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा सॉफ्ट ब्लॉन्डर या एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्डर विद 20 वॉल्यूम। ब्लॉन्डर जब भी हम यूज करेंगे, हमें सबसे मेन चीज टेक्सचर देखना है कि मेरा टेक्सचर कैसा है, फाइन टेक्सचर है, डैमेज टेक्सचर है, स्मूदिंग किया है, कलर किया है, गोदरेज डाई लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मिक्सिंग यूज करना है। हम ब्लॉन्डर की जो मिक्सिंग करते हैं वो 4 टाइप की हम मिक्सिंग यूज करते हैं, 1:1, 1:1.5, 1:2 एंड 1:3। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बालों पे प्रोडक्ट यूज करो, कौन से टेक्सचर पे प्रोडक्ट यूज करो। और अगर आपको बालों के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लॉन्डर कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे, ब्लास्ट नहीं होंगे, फ्रिजी नहीं दिखेंगे। देखो, सबसे मेन चीज हम लिफ्टिंग करने के बाद या प्री लाइटिंग करने के बाद हम पोस्ट कलर हम जरूर डालें, क्योंकि क्या होता है बहुत से जगह पे हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ प्री लाइटिंग किया ब्लंडर से और हमने वॉश करके क्लाइंट को दे दिया, बट वो रॉन्ग है। उसके बाद जो क्लाइंट को कलर, जो क्लाइंट ने चूज किया है, वही कलर हम पोस्ट कलर डालेंगे शैम्पू स्टेशन पे, या फिर अगर एक स्टिप करिए तो उस पर हमें दोबारा से कलर पोस्ट कलर डालना है। कभी भी हम प्री लाइटिंग करके ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ऐसे भी करना है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है ब्लॉन्डर्स को, बोलते हैं केरेन शाइन। केरेन शाइन अगर आप लगाते हो बालों के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपके बाल पीएच लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा। और पोस्ट कलर भी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है और बाल ड्राई नहीं दिखता और मेरे कलर की कोट चढ़ जाती है बालों की। अगर कलर आपको हाईलाइटिंग कोई भी फैमिली की करनी हो, अगर हमारे पास 3 फैमिली अवेलेबल हैं, ब्लू, रेड, येलो, 3 फैमिली हैं। अब मुझे कलर कौन सी फैमिली करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्री लाइटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि रेड फैमिली के लिए ऑलवेज 4-6 तक के ही लिफ्टिंग करें, कलर आ जाएगा। येलो फैमिली के लिए 8-10 तक के लिफ्टिंग करें, कलर प्रॉपर आएगा। बट अगर ब्लू फैमिली के कलर करना है तो आपको 11-12 लिफ्टिंग करना ही पड़ेगा, आपको 12-11 तक के लिफ्टिंग करना पड़ेगा। और उससे ऊपर अगर आप बालों को प्री लाइटिंग करते हो तो आपके बाल ओवर प्रोसेस हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, तो इसलिए आपको सेकंड टाइम सेम ब्लॉन्डर यूज नहीं करना है, आपको सेकंड ब्लॉन्डर यूज करना है। और भी कलर यूज होने के बाद, हाईलाइटिंग होने के बाद या ग्लोबल कलर करने के बाद, ऑलवेज अपने क्लाइंट को आप सजेस्ट करें कि यूज ऑलवेज कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। उससे क्या होगा कि जो आपने हाईलाइटिंग करके दी है उसका कलर फेड नहीं होगा और आपका जो हाईलाइटिंग का जो कलर है वो काफी लॉन्ग टाइम तक के स्टे करेगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो और नई टेक्निक सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नई टेक्निक के साथ। गुड बाय।